सो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं राहुल टेक्नोलॉजी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत दिनों बाद यार ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियोस एडिटिंग ट्यूटोरियल से लेकर आ चुका हूँ, जो कि आप दोस्तों आप अपने फोन में ही सिर्फ कैन मास्टर वर्सन्स की मदद से दोस्तों टेम्पलेट वीडियोस को एडिटिंग कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों वीडियोस में और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप कुछ इस तरीके से टेम्पलेट वीडियोस एडिटिंग करना सिखाइए। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप अपने फोन में कैन मास्टर वर्सन्स में कैसे इस टेम्पलेट वीडियोस को कैसे आप लोग फोटोज को ऐड करके एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस सब कुछ समझने के लिए टेम्पलेट वीडियोस को एडिटिंग करने के लिए गाइस इस वीडियोस को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, तभी गाइस आप लोग टेम्पलेट वीडियोस को एडिटिंग कर पाओगे। ठीक है, तो टेम्पलेट वीडियोस को दोस्तों एडिटिंग करने के लिए सिंपली आप अपने फोन में दोस्तों कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों मैं अपने फोन में कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, फिर इसके बाद गाइस आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस जैसे इस कैन मास्टर एप्लीकेशन को आप अपने फोन में इसको फर्स्ट बार गाइस आप लोग ओपन करेंगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने क्रिएट न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, और क्रिएट न्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस रेशियो को दोस्तों आपने सेलेक्ट कर देना है, एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ से अपने क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, और जैसे आप गाइस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद दोस्तों इस टेम्पलेट वीडियोस को आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों इस टेम्पलेट वीडियोस को मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस टेम्पलेट वीडियोस को सेलेक्ट कर लेने के बाद गाइस आपने शुरू में जाना। ठीक है, एंड शुरू में जाने के बाद गाइस आपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने दोस्तों मिडिल ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, और मिडिल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियोस को दोस्तों आपने इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों इस टेम्पलेट वीडियोस को मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस टेम्पलेट वीडियोस को सेलेक्ट कर लेने के बाद गाइस आपने ऑप्शंस में चला जाना। ठीक है, और गाइस इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक करके इसको दोस्तों आपने फुल स्क्रीन में कर लेना। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ से अपने बैक चले जाना। ठीक है, और बैक आ जाने के बाद गाइस आपने फिर से सेटिंग्स में चले जाना। ठीक है, और गाइस इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर अपने स्क्रीन का ऑप्शन पर क्लिक करना। ठीक है, और स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने यहाँ से बैक चले जाना। ठीक है, और बैक आ जाने के बाद गाइस आपने शुरू में जाना है, और शुरू में आ जाने के बाद दोस्तों अपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने दोस्तों मिडिल ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना। ठीक है, और मिडिल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आप जो भी टेम्पलेट्स में पिक्चर्स को ऐड करना चाहते हो उसी पिक्चर्स को गाइस आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चले गाइस इसी पिक्चर्स को मैं अपने ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद गाइस आप अपने हिसाब से कुछ इस तरह के गाइस पिक्चर्स को इसमें आपने ऐड कर लेना। ठीक है, और इसको ऐड कर लेने के बाद गाइस आप अपने हिसाब से कुछ इस तरह के गाइस आपने एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर लेने के बाद गाइस आपने ऑप्शंस में चले लेना। ठीक है, और गाइस इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इस पर कैसे आपने क्लिक करके सिंपली हमने गाइस स्क्रीन वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना। ठीक है, और स्क्रीन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां से आपने बैक चले लेना। ठीक है, और बैक आ जाने के बाद गाइस इसका ड्यूरेशन आपने वीडियोस के लास्ट तक कर लेना है। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस आपने शुरू में जाना। ठीक है, शुरू में आ जाने के बाद गाइस आपने फिर से लेयर ऑप्शन पर क्लिक करके अपने दोस्तों मिडिल ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, और मिडिल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस टेम्पलेट वीडियोस को आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों इस टेम्पलेट वीडियोस को मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस टेम्पलेट वीडियोस को सेलेक्ट कर लेने के बाद गाइस आपने ऑप्शन में चले जाना। ठीक है, और गाइस इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक करके इसको भी गाइस आपने इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ से अपने बैक चले लेना। ठीक है, एंड बैक आ जाने के बाद गाइस आपने फिर से ऑप्शन में चले लेना। ठीक है, और गाइस इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, सो गाइस जैसे आप लोग ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्क्रीन का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, सो गाइस जैसे आप लोग स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड गाइस वो गाइस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और आपका टेम्पलेट गाइस कुछ इस तरीके से एडिटिंग हो जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद दोस्तों आपने फिर से शुरू में जाना। ठीक है, एंड शुरू में जाने के बाद गाइस आपने फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने दोस्तों मिडिल ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलो गाइस मैं मिडिल ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, और मिडिल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियोस को दोस्तों आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इस टेम्पलेट वीडियोस को सेलेक्ट कर लेने के बाद गाइस आपने शुरू में जाना। ठीक है, और शुरू में आ जाने के बाद गाइस इस टेम्पलेट वीडियोस को आप अपने हिसाब से कुछ इस तरह गाइस यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों इस टेम्पलेट वीडियोस को आप अपने हिसाब से कुछ इस तरह से गाइस आपने इसको जूम कर लेना है। ठीक है, और इसको जूम कर लेने के बाद गाइस आप अपने हिसाब से इसको अपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो चले गाइस इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर लेने के बाद गाइस आपने ऑप्शन में चले लेना। ठीक है, और गाइस इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, सो गाइस जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर दोस्तों आपने क्लिक कर देना। ठीक है, सो गाइस जैसे आप लोग स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड गाइस वो गाइस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ये जो टेम्पलेट है कुछ इस तरीके से गाइस अपना एडिटिंग हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों आपने फिर से शुरू में जाना। ठीक है,
एंड उसके बाद गैस स्टम्पलेट्स पर गैस आपने क्लिक कर देना ठीक है। और स्टम्पलेट फिर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद गैस आपने लास्ट में चले जाना ठीक है। और लास्ट में चले जाने के बाद गैस जो आपका बैकग्राउंड वाला टम्पलेट्स वीडियो है इस पर गैस आपने क्लिक कर देना ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद गैस जहाँ पर आपने नीचे चले जाना ठीक है। और गैस इसमें से आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है टीम स्प्लिट का ऑप्शन, इस पर गैस आपने क्लिक कर देना ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद गैस जहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है टीम राइट का ऑप्शन, इस पर गैस आपने क्लिक कर देना ठीक है। और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गैस जहाँ से आपने बैक चले जाना ठीक है। और बैक आ जाने के बाद गैस आपने शुरू में जाना ठीक है। अब गैस जो हमारा ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो गैस जो दोस्तों एडिटिंग होकर तैयार हो गया ठीक है। अब गैस इस टेम्पलेट वीडियो को मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ कि गैस ये टेम्पलेट वीडियो सब देखने में कैसा लग रहा है ठीक है। तो मेरे दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो गैस जो दोस्तों एडिटिंग होकर तैयार हो गया। अब बस यदि आप इस टेम्पलेट वीडियो में कोई भी सॉन्ग को ऐड करना चाहते हो तो गैस जहाँ पर आप लोगों को ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस पर गैस आप क्लिक करके आप साउंड को ऐड कर सकते हो ठीक है। तो देखा आपने दोस्तों कितना सिंपल था कि ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो को एडिटिंग करना अपने फोन में। तो गाइस आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद दिए। अगर पसंद दिए तो प्लीज़ यार वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ गाइस शेयर कीजिए। और चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार नहीं आए तो गाइस इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके भेज दीजिए ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को मिलती रहेगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।